भारतवर्ष की एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी धैर्य रख साहस शौर्य और राजनैतिक कौशल्य का परिचय दे पद पद पर राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। शिवाजी महाराज के पुत्र को अपने राज्य में आश्रय दे औरंगजेब की विशाल सेना के सामने युद्ध भी किया। कौन थी वह मातृशक्ति जिनका अतुल्य योगदान आज हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। सन 1630 कर्नाटक प्रांत के मलनाड क्षेत्र में समुद्र किनारे गोवा से मालाबार तक फैले हुए एक प्रसिद्ध राज्य केलती के राजा शिवप्पा नायक, जिनको उनके शिस्तबद्ध शासन के कारण शिस्तिन शिवप्पा नायक से जाना जाने लगा था, उनके बेटे सोमशेखर ने सन 1664 में सत्ता संभाली। एक दिन रामेश्वर के मेले में एक रूपवान कन्या को देख उन्होंने उनसे विवाह करने का फैसला किया और 1667 में बिलगावी जिले के कोट्टपुरा गांव में जन्मी और व्यापारी सिद्धप्पा शेट्टार की पुत्री चेन्नम्मा से विवाह किया। विवाह के बाद चेन्नम्मा ने घोड़ेसवारी तलवारबाजी तीरंदाजी का प्रशिक्षण भी लिया। उनकी राजकार्य में भी खास रुचि समझ और कौशल्य के कारण चेन्नम्मा राजा सोमशेखर की पत्नी के साथ साथ उनकी सलाहकार भी बनी। कुछ समय बाद दशहरा पर्व के उत्सव में आयोजित कला प्रदर्शन में कलावती नामक नर्तकी ने राज परिवार के सामने नृत्य प्रस्तुत किया और राजा सोमशेखर उस पर मुग्ध हो उसे राज नर्तकी बनाया। धीरे धीरे वह उस पर मोहित हो उसके पास ही रहने लगा। इसका लाभ कलावती और उसके पिता माउत ने लिया। खुद की धन और सत्ता पाने की लालसा के कारण राजा सोमशेखर को दवाइयां खिलाकर वह उसकी मानसिक स्थिति भी नियंत्रित करने लगा। उस ओर राज्य की स्थिति भी बिगड़ने लगी और प्रजा में भी भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना फैली। राज्य के कुछ सत्ता के लालची अधिकारियों की षड्यंत्र की भनक लगने पर रानी चेन्नम्मा के कोई संतान न होने के कारण रानी ने खुद सोमशेखर के पास जाकर एक पुत्र गोद लेने का विकल्प रखा, पर वह भी राजा ने ठुकरा दिया। ऐसी विकट परिस्थिति में भी धैर्य साहस और कर्तव्य परायणता के साथ रानी ने राज्य का कार्यभार संभालने का निश्चय किया और उन्होंने पुत्र बसप्पा नायक को गोद भी लिया। बीजापुर के सुल्तान ने केलती की ऐसी नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू की और यह बात पता चलने पर नर्तकी के पिता ने राजा सोमशेखर की दवाइयां खिलाकर हत्या करवा दी ताकि राजा के न रहने पर वह बीजापुर के राजा के साथ संधि कर धन और सत्ता हासिल कर सके। और दूसरी ओर बीजापुर के सुल्तान ने बिदनूर के किले पर आक्रमण कर दिया, परंतु रानी चेन्नम्मा ने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए इन परिस्थितियों से निपटने का संकल्प किया। बीजापुर की सेना की संख्या बहुत ही अधिक थी। तब योजना के भाग रूप रानी चेन्नम्मा ने अपने साथियों सैनिकों राजकोष और मूल्यवान चीजों के साथ गाढ़ जंगलों के बीच सुरक्षित भुवनगिरी किले पर चली गई। वहां पर उन्होंने सैन्य भर्ती कर बड़ी सेना तैयार की। बीजापुर के सुल्तान ने बिदनूर किले की जीत के बाद घमंड में भुवनगिरी किले पर भी आक्रमण किया, परंतु जंगलों और घाटियों के जानकार और अनुभवी कन्नड़ सैनिकों ने बीजापुर की सेना को ना सिर्फ हराया बल्कि आगे बढ़ बिदनूर का किला भी वापस लिया। प्रजा ने रानी को सहर्ष अपना शासक स्वीकार किया और सन 1671 में उनका राज तिलक हुआ। परंतु कठिन समय का दौर थमा नहीं। केलती के ही वेंकट नायक नाम के एक व्यक्ति ने राज सत्ता पाने की लालसा से मैसूर के राजा चिकदेव राय के साथ संधि की। एक स्त्री के हाथ की सत्ता की शक्ति को कम आंककर उसने केलती पर आक्रमण किया और हार गया। मैसूर को हराने के बाद भी रानी ने युद्ध में बंदी बनाए हुए मैसूर के बड़े अधिकारियों को मुक्त किया और मैसूर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। यही नहीं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के एक पुत्र संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद महाराष्ट्र को हड़पने के लिए औरंगजेब ने बड़ी तादाद में सेना भेज किले पर आक्रमण किया, तब शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम को किला छोड़ पलायन करना पड़ा। औरंगजेब के डर से जब किसी भी बड़े राजा ने उन्हें शरण नहीं दी, तब रानी चेन्नम्मा ने अपना माँ भारती के प्रति
और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कर्तव्य समझ हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम को अपने राज्य में शरण दी और राजा राम को जिंजी के किले तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सहायता भी की। राजा राम की केलदी में होने की सूचना मिलने पर औरंगजेब ने केलदी पर आक्रमण किया, परंतु वर्षा ऋतु के कारण हुए दलदल और जंगलों के इलाकों में युद्ध में माहिर कन्नड़ वीर औरंगजेब की सेना पर हावी हुए। परंतु बीच में ही राजा राम केलदी में ना होने के समाचार ज्ञात होने पर औरंगजेब ने केलदी को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसके अनुसार केलदी द्वारा मुगल सरदारों को मुक्त किया गया और केलदी को स्वतंत्र राज्य की स्वीकृति मिली। रानी चेन्नम्मा ने सन 1671 से सन 1696 तक 25 वर्षों तक बड़ी ही कुशलता से केलदी का नेतृत्व किया। रानी ने पुर्तगालियों और अरबों से व्यापार समझौते कर राज्य को आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। राज्य में कई निर्माण कार्य, दान धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य किए। कई मठों, आश्रमों और मंदिरों का भी निर्माण किया। सन 1696 में महारानी चेन्नम्मा पवित्र श्रावण मास में अपना शरीर त्याग पंच तत्व में विलीन हुई और केलदी के एक सुवर्ण समय काल का अंत हुआ। विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, शौर्य, धैर्य, संवेदनशीलता, धर्मनिष्ठा और देशभक्ति जैसे गुणों का परिचय दिया भारत की इस वीरांगना ने। भारत की इस मातृशक्ति द्वारा भारतीय संस्कृति तथा अस्मिता के रक्षण के लिए दिए गए योगदान को हमारी और हमारी भविष्य की पीढ़ी के स्मरणों में बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं?